हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2015 के एग्जाम में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। आपको एक फंक्शन गिवन है जिसका नाम है गेट। क्वेश्चन है, अगर मेन में से हमने इस गेट फंक्शन को कॉल किया और वैल्यू जो हमने पास की वो है 6, तो हमने गेट को कॉल किया और 6 पास किया, तो बताओ ये फंक्शन टोटल कितनी बार इन्वोक होगा मेन फंक्शन को रिटर्न करने से पहले। सो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ट्री मेथड से, क्योंकि आप देख सकते हो 4 में से 2 लाइंस तो रिकर्सिव कॉल्स ही हैं, यानी कि यहां पे ट्री मेथड से आंसर हमें बड़ी जल्दी मिलेगा। ओके, सो आई एम ड्रॉइंग द रिकर्शन ट्री। रिकर्शन ट्री में जहां पे भी आपको ये नोटेशन मिलेगी, यानी कि ब्रैकेट्स में कोई नंबर लिखा हुआ है, उसका मतलब होगा ये फंक्शन कॉल किया गया और पैरामीटर जो हमने पास किया वो है 6 क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि क्वेश्चन में आपको कहा है कि हम इस फंक्शन को 6 पास कर रहे हैं। तो ये रही रूट नोड। ओके, अब इस फंक्शन में पहली लाइन देखो, ये फर्स्ट लाइन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, वो 6 पास हो जाएगा एन को। अब फर्स्ट लाइन है इफ एन इज लेस देन 1 देन रिटर्न, 6 less than 1 तो नहीं है तो रिटर्न भी नहीं होगा। नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, ये है एक फंक्शन कॉल, इसमें हम पास कर रहे हैं एन माइनस 1, यानी कि 6 minus 1 विच इज 5। तो यहां पे मैं 5 लिख रहा हूं ब्रैकेट्स में, मींस एक नया फंक्शन कॉल हो रहा है जिसमें हमने 5 पास किया। अभी के लिए इस फंक्शन को भूल जाओ, हम इसी की बात करते हैं। इस फंक्शन में नेक्स्ट लाइन भी एक फंक्शन कॉल है जिसमें हम पास कर रहे हैं n माइनस 3, यानी कि 6 minus 3। तो आप देख सकते हो 6 minus 3 होगा 3। ओके, और नेक्स्ट लाइन इसमें है एक प्रिंट स्टेटमेंट। यहां पे इस लाइन को अभी के लिए इग्नोर कर दो, क्योंकि क्वेश्चन है कि टोटल फंक्शन कॉल्स कितनी होगी, क्वेश्चन में आउटपुट नहीं पूछी गई, तो इसीलिए आप ऐसा मान लो कि ये प्रिंट स्टेटमेंट यहां पे है ही नहीं। ओके, अब देखो इस फंक्शन के लिए जितनी भी लाइंस थी वो हमने एनालाइज कर ली। अब इस फंक्शन की बात करो, यहां पे हमने जो वैल्यू पास की वो है 5, मींस एन को मिलेगा 5। तो ये कंडीशन जब चेक होगी एन इज लेस देन 1, ये फॉल्स आएगी, यानी कि ये फंक्शन भी रिटर्न नहीं करेगा। इंस्टेड ये इन दोनों फंक्शन कॉल्स को, रादर इन दोनों फंक्शंस को कॉल करेगा। ये दोनों गेट फंक्शंस हैं, पहली बारी हमने पास किया एन माइनस 1, फिर हमने पास किया एन माइनस 3, यानी कि यहां से कॉल हुआ 5 minus 1 विच इज 4 और 5 minus 3 विच इज 2। ओके, अब इसकी बात करो, यहां पे 4 less than 1 तो नहीं है, तो यहां पे भी 2 फंक्शंस कॉल होंगे, 4 minus 1 जो कि है 3 और 4 minus 3 जो कि है 1। यहां पे भी 2 फंक्शंस कॉल होंगे, तो 3 minus 1 होगा 2 और 3 minus 3 होगा 0। इस फंक्शन में भी आप पहले कंडीशन चेक करोगे, कंडीशन फॉल्स होगी तो रिटर्न नहीं होगा, यानी कि ये 2 लाइंस एग्जीक्यूट होंगी। तो जो 2 फंक्शंस हमने कॉल किए उनमें पास किया जाएगा 2 minus 1 और 2 minus 3, यानी कि पहले फंक्शन में 1 पास होगा और दूसरे फंक्शन में -1 पास होगा, 2 minus 3 इज -1। अब इसकी बात करो, ये कॉल करेगा 0 को और -2 को, एक्चुअली 0 और -2 को कॉल नहीं करेगा, कॉल करेगा गेट फंक्शन को, 0 और -2 पास होंगे। ओके, अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे वैल्यू है 0। जब ये फंक्शन पहली लाइन को एग्जीक्यूट करने लगेगा तो देखो हमने पास किया 0, यानी कि n की वैल्यू है 0, तो पहली लाइन में कंडीशन चेक होगी n इज लेस देन 1, ये कंडीशन ट्रू आएगी, 0 लेस देन 1 है, इसीलिए हम यहां पे रिटर्न कर जाएंगे। तो इस फंक्शन कॉल ने पहली लाइन में ही रिटर्न एग्जीक्यूट कर दिया, यानी कि यहां पे हमने रिटर्न कर दिया बिना कुछ प्रिंट किए या बिना कुछ कॉल किए। ओके, तो ये पहली लाइन पे ही फंक्शन एंड हो गया। इसकी बात करो, ये भी ट्रू है, यानी कि यहां पे जो कंडीशन है n इज लेस देन 1 वो ट्रू है, तो ये भी पहली लाइन में ही रिटर्न कर देगा बिना कुछ करे। ओके, ये सारी कॉल्स और प्रिंट नहीं होंगे, यहां पे भी कुछ ऐसा ही है, यहां पे भी कुछ ऐसा ही है, बट यहां पे हमें देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, ये लेस देन 1 n इज लेस देन 1 ट्रू नहीं है। ओके, यहां पे देखो हमने फंक्शन कॉल किया गेट और उसमें पास किया 1, यहां पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, हमने फंक्शन कॉल किया था गेट और उसमें पास किया था 1, तो जो भी यहां पे हुआ
वही एग्जैक्ट चीज यहां पे भी होगी, तो क्यों ना इसे ही यहां से कॉपी कर लें। तो जीरो और माइनस टू के लिए फंक्शन कॉल होगा, तो डायरेक्टली हम यहां पे जीरो और माइनस टू लिख देंगे, ओके। और ये भी एंड, ये भी एंड, क्योंकि यहां पे भी ये एंड हो गए थे। अब इसकी बात करते हैं, यहां पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है और हमने पास किया टू। अब देख सकते हो यहां पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, मींस ये सारा ट्री एज इट इज यहां पे कॉपी हो जाएगा। सो लेट मी कॉपी इट। अब देखो, अब इस फंक्शन कॉल की बात करते हैं। यहां पे फंक्शन जो कॉल हो रहा है वो है गेट, और पैरामीटर हमने पास किया थ्री। बिल्कुल कुछ ऐसा ही यहां पे हो रहा है, यानी कि ये पूरा ट्री एज इट इज यहां पे कॉपी हो जाएगा। देखो जो कुछ भी यहां हुआ वो एज इट इज वहां पे रिपीट होगा, क्योंकि सेम फंक्शन है और सेम ही पैरामीटर है, तो इसे वहां पे कॉपी कर दो। अब देखो ये पूरा ट्री कंप्लीट हो चुका है, यानी कि जितने भी फंक्शंस कॉल होंगे वो यहां पे मैंने लिख दिए हैं। अब आप इन्हें सिंपली काउंट करो और आंसर बता दो। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सतारह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, यानी कि आंसर है 25। टोटल 25 टाइम्स इस फंक्शन को इन्वोक किया गया मेन में रिटर्न करने से पहले, यही आपसे पूछा था। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में कभी कभी आपको आउटपुट निकालने को भी कहा जा सकता है, इसीलिए अब हम इस फंक्शन की आउटपुट भी देखेंगे। आउटपुट के लिए आप सिंपली इस लाइन को इग्नोर मत करो। पहले हमने कहा था कि यहां पे कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है, अब इस लाइन को भी कंसिडर कर लो। देखो सबसे पहले हमने कॉल किया फंक्शन और उसमें पास किया था सिक्स, तो ये कंडीशन फॉल्स थी, इसीलिए ये दोनों लाइंस एग्जीक्यूट हुई और फाइव और थ्री के लिए फंक्शन कॉल हो गया इन दो लाइंस की वजह से। अब इसके बाद ये लाइन भी तो एग्जीक्यूट होगी ना, यानी कि प्रिंट एन भी तो होगा और एन है सिक्स, यानी कि ये फंक्शन सिक्स प्रिंट करेगा। तो जो भी मैं रेड कलर में लिख रहा हूं वो है कि यहां पे क्या प्रिंट हो रहा है, ओके। तो ये फंक्शन तीन काम करेगा, पहले इसे कॉल करेगा, फिर इसे कॉल करेगा, जब ये सारी कॉल्स एंड हो जाएंगी उसके बाद ये सिक्स प्रिंट करेगा, ओके। सिमिलरली इसके लिए देखो क्या होगा, ये इसे कॉल करेगा, इसे कॉल करेगा, उसके बाद ये फाइव प्रिंट करेगा, ओके। ये फंक्शन क्या करेगा, ये दो कॉल्स करने के बाद फोर प्रिंट करेगा। ये फंक्शन क्या करेगा, ये दो कॉल्स करने के बाद थ्री प्रिंट करेगा। देखो अगर हम यहां पे हैं तो ये कंडीशन तो फॉल्स है, यानी कि रिटर्न नहीं होगा। फिर हम n माइनस वन और n माइनस थ्री के लिए फंक्शन को कॉल करेंगे, उसके बाद प्रिंट n करेंगे, यानी कि प्रिंट थ्री होगा, ओके। सिमिलरली यहां पे टू प्रिंट होगा, यहां पे वन प्रिंट होगा, ओके। अब यहां पे क्या होगा, जब हमने फंक्शन कॉल किया जीरो के लिए तो ये कंडीशन ट्रू आ जाएगी और हम इमीडिएटली रिटर्न कर देंगे, यानी कि कुछ प्रिंट होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि पहली लाइन में ही रिटर्न हो रहा है, ओके। तो ये भी रिटर्न हुआ, ये भी रिटर्न हुआ, ये भी रिटर्न हुआ और ये भी रिटर्न हुआ, बट यहां पे कुछ प्रिंट होगा। ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा वन, ओके। अब यहां पे भी वन प्रिंट होगा लाइक दिस, यहां पे टू प्रिंट होगा लाइक दिस, ओके। यहां पे वन प्रिंट होगा, यहां पे टू प्रिंट होगा और यहां पे थ्री प्रिंट होगा। अब देखो हमने ये देख लिया कि कहां पे क्या प्रिंट हो रहा है, बट ये हो किस ऑर्डर में रहा है, उसके लिए आपको इस ट्री को स्कैन करना पड़ेगा टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट, यानी कि ऐसे टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट, ओके। देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्चुअली इस फंक्शन ने इसे कॉल किया सबसे पहले, यानी कि अब यह फंक्शन इसके लिए वेट करेगा, जब यह फंक्शन रिटर्न करेगा
तभी ये कॉल होगी और जब ये रिटर्न करेगा तभी सिक्स प्रिंट होगा। ओके, अब इसने इसे कॉल किया और ये वेट करने लग गया, फिर इसने इसे कॉल किया और ये वेट करने लग गया, सो ऑन, यहां तक पहुंचेंगे हम। फिर ये फंक्शन रिटर्न करेगा और ये जो वेट कर रहा था ये रिज्यूम हो जाएगा, फिर ये इसे कॉल करेगा और दोबारा से ये रिटर्न कर देगा, ये रिज्यूम हो जाएगा, फिर ये वन प्रिंट करेगा। यानी कि सबसे पहले जो चीज प्रिंट होगी वो है वन। ओके, तो आउटपुट में हम वन लिख देंगे, सबसे पहले वन प्रिंट हुआ। सो लेट अस डू वन थिंग, लेट अस राइट आउटपुट हियर। ओके, देखो इसके लिए सिंपल मेथड है, ट्री को टॉप डाउन एंड लेफ्ट राइट स्कैन करो लाइक दिस। सबसे पहले आपने इस प्रिंट को एनकाउंटर किया तो वन प्रिंट हो गया, तो आगे चलो। उसके बाद आपने इस प्रिंट को एनकाउंटर किया तो टू प्रिंट हो जाएगा। ओके, उसके बाद थ्री प्रिंट होगा, यानी कि वन के बाद टू और उसके बाद थ्री प्रिंट हुआ लाइक दिस। अब इसके बाद देखो, कीप ऑन स्कैनिंग इट फॉर प्रिंट स्टेटमेंट्स टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट। उसके बाद फिर से वन प्रिंट होगा, उसके बाद आप देख सकते हो फोर प्रिंट होगा और फिर से वन प्रिंट होगा। ओके, फिर उसके बाद टू फाइव वन टू, और उसके बाद थ्री सिक्स, तो ये आउटपुट आएगी। यानी कि ये वाला सिक्स सबसे एंड में प्रिंट होगा। ओके, अब देखो हम यहां पे थे तो इसे ऐसे स्कैन करते जाओ, वन के बाद फोर होगा, फिर से वन होगा, फिर टू होगा, फिर फाइव, फिर से वन एंड सो ऑन। ओके, अब देखो एक्चुअली ये काम कैसे कर रहा है ये आपको पता चलेगा जब आप स्टैक को एनालाइज करोगे। अब हम स्टैक को भी एनालाइज करेंगे किसी छोटी एग्जांपल के लिए। यहां पे बहुत ज्यादा फंक्शन कॉल्स हैं, 25 फंक्शन कॉल्स को स्टैक पर एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, एक्चुअली उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए हम इस नंबर के लिए यानी कि 2 के लिए इसे समझेंगे। अगर आपको ये ऑलरेडी आता है यू कैन स्किप दिस पार्ट ऑफ वीडियो, आंसर इज 25, दिस इज द आउटपुट। आउटपुट इज 123 141 251 एंड 236। ओके, तो अब 2 के लिए यानी कि जब पैरामीटर 2 होगा उसके लिए स्टैक पर क्या हो रहा है वो हम एनालाइज करेंगे। लेट मी रेज द बोर्ड। तो अब मान लो कि ये रहा स्टैक। स्टैक पर सबसे पहले जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होगा वो रहा मेन फंक्शन के लिए। तो सपोज ये मेन फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड है एंड सपोज मेन में से हमने इस फंक्शन को कॉल किया और जो पैरामीटर्स हमने पास किए वो है 2, वी पास्ड 2। तो इस फंक्शन के लिए एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होगा और उसमें एक वेरिएबल होगा n जिसमें वैल्यू सेव होगी 2। तो ये रहा एक्टिवेशन रिकॉर्ड, इसमें एक वेरिएबल है n और n में मेन से हमने पास किया था 2। ओके, अब देखो ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट लाइन से शुरू होगा और प्रिंट तक जाएगा। सो दिस इज लाइन नंबर 1, दिस इज लाइन नंबर 2, ये रही लाइन नंबर 3 और ये है लाइन नंबर 4। ओके, अब देखो यहां पे लाइन नंबर 1 में कंडीशन चेक होगी, क्या n लेस देन 3 है, सॉरी क्या n लेस देन 1 है, नहीं, 2 लेस देन 1 नहीं है तो हम रिटर्न नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, गेट n माइनस 1 कॉल होगा, यानी कि एक फंक्शन कॉल हो रहा है जिसमें हमने पास किया n माइनस 1 मीन्स 2 माइनस 1। तो नए फंक्शन में जो n नाम का वेरिएबल है उसे मिलेगा 2 माइनस 1। ओके, ये फंक्शन चारों लाइंस को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद रिटर्न करेगा, यानी कि इस फंक्शन को कंप्लीटली एग्जीक्यूट करने के बाद हम वापस यहीं पे आएंगे। यहां पे आने के बाद हम रिज्यूम कहां से करेंगे, अभी हम इस लाइन पर हैं, हमने एक फंक्शन कॉल किया ये वाला, जब यह फंक्शन कॉल एंड हो चुकी होगी तो हम वापस इसी फंक्शन पे आएंगे और नेक्स्ट लाइन से रिज्यूम करेंगे, यानी कि लाइन नंबर 3 से। सो आई एम राइटिंग इट लाइन नंबर 3। अब इसकी बात करो, ये लाइन नंबर 1 से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा,
यहां पे ये कंडीशन ट्रू है, सॉरी ये कंडीशन फॉल्स है, वन लेस देन वन नहीं है तो रिटर्न नहीं करोगे, यानी कि आप यही लाइन एग्जीक्यूट करोगे फॉर दिस फंक्शन। तो गेट को कॉल करो और पास करो एन माइनस वन, एन माइनस वन यानी कि जीरो, वन माइनस वन इज जीरो। तो हमने इसे कॉल कर दिया और नए फंक्शन के पैरामीटर में पास हो गया जीरो। अब जब ये रिटर्न करेगा वापस हम इसी फंक्शन पर आएंगे और एग्जीक्यूट करेंगे नेक्स्ट लाइन से। अभी हम यहां पे हैं, ये फंक्शन कॉल अभी हमने की, नेक्स्ट लाइन होगी लाइन नंबर थ्री। ओके, अब यहां पे जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी, मींस जब ये फंक्शन स्टार्ट होगा लाइन नंबर वन से तो ये कंडीशन ट्रू होगी और ये रिटर्न कर देगा। रिटर्न कर देगा मींस इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप हो जाएगा बिना कुछ प्रिंट किए ही या बिना कोई नया फंक्शन कॉल किए। अब जब ये रिटर्न करेगा हम वापस इसी फंक्शन पर आएंगे जो इसके लिए वेट कर रहा था और हम एस लाइन से स्टार्ट करेंगे, यानी कि लाइन नंबर थ्री से। लाइन नंबर थ्री में आपने लिख रखा है गेट एन माइनस थ्री, यानी कि फंक्शन गेट को दोबारा से कॉल करो और एन माइनस थ्री यानी कि वन माइनस थ्री पास कर दो विच इज माइनस टू, लाइक दिस। अब जब ये फंक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका होगा तो ये रिटर्न करेगा और हम वापस यहां पे आ जाएंगे। वापस आने के बाद हम कंटिन्यू कहां से करेंगे? अभी हमने लाइन नंबर थ्री को एग्जीक्यूट कर दिया है, यानी कि एक फंक्शन कॉल हमने कर दी। जब ये नया फंक्शन रिटर्न करेगा तो हम नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यू करेंगे, यानी कि लाइन नंबर फोर से। सो आई एम अपडेटिंग दिस टू फोर। ओके, अब देखो ये नंबर वन से छोटा है यानी कि कंडीशन टू है और ये फंक्शन रिटर्न कर जाएगा। तो जो नया फंक्शन हमने कॉल किया था वो पहली लाइन में ही रिटर्न कर गया। हम वापस आएंगे इसी फंक्शन पर और कंटिन्यू करेंगे लाइन नंबर फोर से। लाइन नंबर फोर है प्रिंट एन, यानी कि वन प्रिंट हो जाएगा। तो आउटपुट में सबसे पहले आया वन। ओके, अब इस फंक्शन में चारों लाइंस एग्जीक्यूट हो चुकी हैं और फंक्शन एंड हो चुका है, यानी कि ये भी पॉप हो जाएगा। ओके, तो अब देखो, अब हम इस फंक्शन पर आएंगे और हमने कंटिन्यू करना है लाइन नंबर थ्री से, यानी कि यहां से। ये है गेट एन माइनस थ्री, यानी कि फंक्शन गेट को कॉल करो और उसमें पास करो टू माइनस थ्री विच इज माइनस वन। तो यहां पे माइनस वन वन से छोटा है, यानी कि ये फंक्शन रिटर्न कर देगा और रिटर्न करने के बाद हम वापस यहीं पे आएंगे और हमें कंटिन्यू करना होगा लाइन नंबर फोर से। ओके, यहां पे है फोर। अब ये फंक्शन पहली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा और ये रिटर्न कर देगा, यानी कि ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप हो गया बिना कुछ प्रिंट किए ही। हम यहां पे वापस आए और हम लाइन नंबर फोर से कंटिन्यू करेंगे। तो प्रिंट एफ एन, एन की वैल्यू है टू, यानी कि हम टू प्रिंट करेंगे। अब इस फंक्शन ने चारों की चारों लाइंस एग्जीक्यूट कर ली हैं, यानी कि ये भी रिटर्न कर देगा, तो इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी पॉप हो जाएगा और ये मेन को रिटर्न कर देगा। तो मेन को रिटर्न करने से पहले हमने ये प्रिंट किया और जो भी फंक्शंस कॉल हुए थे वो हमने देखे, यानी कि एक्चुअली स्टैक पर क्या हो रहा है मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। कुछ ऐसा ही होगा सिक्स के लिए, यानी कि जो क्वेश्चन में गिवन थी वैल्यू उसके लिए, बट उसमें 25 एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स पुश होंगे। ओके, तो स्टैक काफी बड़ा हो सकता है। ओके, एंड दैट्स द रीजन मैंने वो एक्सप्लेन नहीं किया था। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। इसकी आउटपुट थी 1, 2, 3, 1, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 6 और इसका आंसर था 25 फंक्शन कॉल्स विल बी मेड। ओके,